नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में आप सबकी मांग पर मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। आप लोगों ने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है कि सर रिकवरी एजेंट्स हमें ट्रैक कैसे करते हैं, और अगर हमारा फ़ोन नंबर बंद कर दें और अगर हम हमारा एड्रेस भी चेंज कर दें तो भी क्या वो हमें ट्रैक कर सकते हैं? क्या क्या टूल्स होते हैं उनके पास जिसके थ्रू वो हमें ट्रैक करते हैं जिससे कि हम उनसे बच सके? दोस्तों, आप रिकवरी एजेंट से भागते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, समझ में आता है कि मजबूरी हो सकती है, कोई भी गाली गलौज करे, आपसे लड़ाई झगड़ा करे तो आप भागना चाहेंगे। और मैंने ही मेरे वीडियो में कई बार रिकवरी एजेंट्स को अवॉइड करने का तरीका आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप इनको दे दीजिए, क्योंकि भागना इज नॉट ए सॉल्यूशन, भागना समस्या का समाधान नहीं है। इट कैन कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम एंड इवन इफ इट डज नॉट, मॉरली यू आर लाइबल टू पे, मॉरली यू आर लाइबल टू रीपे योर लोन। सो गेट रिड ऑफ द डेट्स दैट यू हैव। आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि भले ही आप सेटलमेंट ही करवा लेकिन आप उनका रीपेमेंट कर दें। यह बात आपको अपने टॉप ऑफ द माइंड रखनी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रिकवरी एजेंट्स आपको ट्रैक कैसे करते हैं, यह जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। शायद पूरे यूट्यूब पर यह जानकारी किसी भी वीडियो पर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है जो मैंने देखा है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल नो मोर अबाउट हाउ द बैंक्स, द क्रेडिट कार्ड कंपनीज ट्रैक यू। रिकवरी वाले आपको ट्रैक नहीं करते हैं, बैंक की एक टीम होती है जो आपको ट्रैक करती है। रिकवरी वाले हाँ, अगर अगल बगल की बिल्डिंग में चले गए हों या फ्लैट बदल लिया हो उसी सोसाइटी में तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वैसे इनकी एक टीम होती है। और ये कौन कौन से टूल्स को इम्प्लॉय करते हैं टू ट्रैक यू द एब्सकॉन्डिंग डिफॉल्टर्स, आज हम उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन इज द फर्स्ट टूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप लोन लेते हैं, तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है या फिर आपको कोई लोन दिया जाता है, उससे पहले अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो, और कई बार आपकी पहले की लोन की हिस्ट्री है तो भी, वो आपके घर पर आकर वेरिफिकेशन करते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगते हैं, रेफरेंसेस की, और वो उसको कई बार वेरीफाई भी करते हैं। वो क्यों आपसे मांगते हैं? दो ऐसे लोगों की जानकारी जिसको आप जानते हैं उसी सिटी में, उसी शहर में, बिकॉज कल अगर आप उनको मिले नहीं तो वो वहाँ कॉन्टैक्ट कर सके और वहाँ ये करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स हाउ दे ट्राई टू गेट इन टच विद यू व्हेन यू आर नोवेयर टू बी फाउंड। अगर आप नहीं उनको मिल रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने लोन के एप्लीकेशन में जो भी रेफरेंसेस के नंबर दे रखे हैं वहाँ वो कॉल करते हैं और आपको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वन टूल एंड द मोस्ट कॉमन टूल दैट दे विल इम्प्लॉय टू फाइंड यू इफ यू आर नोवेयर टू बी फाउंड। दूसरा तरीका क्या होता है? क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्टिंग में होता क्या है कि आप कहीं भी चले गए, इसके बाद किसी भी प्रकार से अगर आपने अपने एड्रेस को चेंज कर दिया है और अगर कहीं ना कहीं आप अपनी दोबारा से जानकारी डाल रहे हैं, अपना पैन कार्ड डालकर या किसी भी तरीके से एनी हाउ, या कोई आप दोबारा से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी आप चले गए फिर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बहुत सारी डिटेल्स, आपकी बहुत सारी जो डिटेल्स है
वो क्रेडिट ब्यूरोज में अपडेट हो जाती है और वहां से भी ये जानकारी एक्वायर कर सकते हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं स्किप ट्रेसिंग। स्किप ट्रेसिंग क्या होता है? बैंक्स जो होते हैं ये प्रोफेशनल स्किप ट्रेसर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं और इनके पास बहुत ही स्पेशलाइज टेक्निक होती है जहां ये आपको फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, जहां आपको ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें ये पब्लिक रिकॉर्ड्स सर्च करते हैं जहां हो सकता है आपकी कोई जानकारी मिल जाए, ये कुछ सर्विलेंस वगैरह का भी यूज में ले सकते हैं जहां से आपकी जानकारी मिल जाए, ये कुछ आपके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी आपको ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे याद है बहुत पहले की बात कि जब आई वॉज अंडर डेट तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को कई बार उन्होंने इंट्रूड करने की कोशिश की थी। तो ये एक और तरीका होता है जिसके थ्रू आपको ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मैं मेरे अपने किसी पुराने दोस्त से कॉन्टैक्ट खो चुका था और वो मुझे कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं मिला था। तो मैंने सिंपली क्या किया कि उसका ईमेल एड्रेस लेकर मैंने गूगल में डाल दिया था और मुझे ऐसा पता चला कि वो किसी दूसरी कंपनी में काम करता है और उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी डिटेल्स डाल रखी थी, ये नाम, ये फोन नंबर, ये ईमेल एड्रेस। और तब मुझे पता चला कि उस कंपनी में काम करता है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूं। इस तरीके के अलग अलग टेक्निक्स को ये यूज में ले सकते हैं ट्रेस करने के लिए। तो अगर आपको इनसे बचना है तो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या इन सारी चीजों पर को भी बहुत अधिक लिमिट करना होगा। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? ये डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं, यकीन नहीं होता, करते हैं, देख लीजिए। ये डिटेक्टिव्स को भी हायर करते हैं, वो अपनी टेक्निक्स को इम्प्लॉय करके आपको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ पर हैं। 2-4-10 हज़ार रुपये के लिए उन्हें करें, क्योंकि हो सकता है कि डिटेक्टिव उससे ज़्यादा पैसे मांग ले या जो भी ऐसी एजेंसीज होते हैं वो कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। लेकिन हाँ, ये इन सब लोगों को भी हायर करते हैं बैंक्स। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसके विषय में आपको बताना चाहूँगा, आप यकीन नहीं करेंगे, बता दूँ आपको, ट्रेस करने के लिए ना इनको डिटेक्टिव्स को हायर करने की ज़रूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर ये आपको एक्सेस करके आपके पोस्ट के अपडेट्स नहीं देख पाते हैं तो भी इसकी भी शायद इनको ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट ब्यूरो में कहीं आपने कुछ अपडेट नहीं किया है तो भी ठीक है। आस पड़ोस में आपने किसी को नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने अपना फ़ोन नंबर बंद कर लिया है तो भी ठीक है। आपको ट्रेस करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और वो करते भी हैं। बता दूं, शायद ये इंटरनेट पर ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला है, बता देता हूं। आपके LPG गैस का कनेक्शन, अगर सिलेंडर आपके नाम पर है, अगर एक कनेक्शन आपके नाम पर है, आप 10 किलोमीटर दूर चले गए, ट्रांसफर करवाओगे ना अपना कनेक्शन? करवाओगे ना? उनको किसी को पता करने की जरूरत नहीं है। इसके थ्रू वो ये देख लेंगे कि ये कनेक्शन कौन से एड्रेस पर, सिलेंडर नेक्स्ट टाइम कौन से एड्रेस पर डिलीवर हुआ है, पूरा एड्रेस होता है पूरा, और आप वहीं पर हैं, ये होता है। मेरे क्लाइंट, मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक व्यूवर्स के साथ हुआ है, होता है। तो अगर If you don't want be traced, अगर आप चाहते हैं कि ये पता नहीं लगे, तो शायद अब आपको
गैस के सिलेंडर को भी अवॉइड करना पड़ेगा और एक इंडक्शन कुक टॉप लेकर उस पर खाना पकाना पड़ेगा जब तक कि आप उनका सेटलमेंट नहीं कर दें। यह भी एक इन्होंने नया तरीका निकाला है। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको खोजने के लिए बहुत तरीके की टेक्निक्स को यूज में लेते हैं जिसके विषय में कई बार आप सोचते भी नहीं हैं। तो बैंक्स की, क्रेडिट कार्ड कंपनीज की एक टीम होती है, अगर कोई भी डिफॉल्टर नहीं मिल रहा है, किसी एड्रेस पर कॉन्टेक्टेबल नहीं है, तो ये आपकी डिटेल्स उस टीम के पास चली जाती है कि आप जाओ और पता करो इनका। इसके बाद इनका काम शुरू हो जाता है। और क्या तरीका है? GPS। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि अगर आपके नाम पर आपने कोई भी दूसरी सिम इशू करवाई है तो उनको पता चल जाता है कि इस ID से इतनी नंबर्स इशू हुए हैं, जो रिसेंट मोस्ट है जो आपने इशू करवाया है उसकी लोकेशन क्या है, GPS। तो जहां वो लोकेशन है वह वहां उसके आसपास आपको खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी होता है, और जिनको ऐसा लगता है कि GPS से नहीं होता है, अगेन आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू देम। कभी भी अगर आप कार या व्हीकल का लोन लेते हैं और अगर पेमेंट नहीं कर पाते तो रास्ते से आपकी व्हीकल को ये कैसे उठा लेते हैं? ऐसा नहीं है कि वो आपको, आपके ऑफिस का एड्रेस उनके पास होता है और वो आपके जाने और आने के टाइम को पहचानते हैं, जानते हैं कि आप तो इसी रास्ते से जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे भी किसी रास्ते से वो आपकी कार को पिक कर लेते हैं जिस रास्ते पर आपने अपने जीवन में कभी गए नहीं थे। कैसे पता चलता है? देर इज़ नो अदर वे देन GPS। GPS के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको अपना फोन चेंज करना है और उसके बाद अगर आपको एक कनेक्शन चाहिए, देन दैट न्यू कनेक्शन शुड नॉट बी इन योर नेम। आपके नाम से वो नया कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत अधिक और ऐसी जानकारी मिल गई होगी जिसकी बदौलत आपको यह मालूम चला होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेस करते हैं। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो है ही, जैसे आपके फ्रेंड से ये कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके कलीग से ये कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके ऑफिस से ये कोशिश करेंगे आपका एड्रेस निकालने की, आपके एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर से उस पर कॉल करके वो पता करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब कॉमन चीज़ें तो आपको भी मालूम है ही, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी और भी टेक्निक्स बताई हैं जिसके विषय में शायद आपको पता नहीं हो। सो वो हर तरीके की टेक्निक को इम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पैसा अपना निकाल सके, ताकि वो आपको खोज सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन सारी टेक्निक्स को आपके लिए यूज़ में लेंगे ही, क्योंकि आप कोई 5,000 करोड़ रुपए लेकर तो भागे नहीं हो, ने 500 करोड़ रुपए लेकर भागे हो। तो इसके लिए वो रिकवरी एजेंट्स के थ्रू ही अपने पैसे को निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो अगर 1 करोड़ रुपए का डेट किसी के ऊपर है और वो पे नहीं कर रहा है, और इधर मान लीजिए कि 5 लाख, 5 लोग हैं जिन्होंने 20-20 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर रखा है, तो 20-5 के पीछे भागने से ज़्यादा प्रेफर वो करेंगे कि उस 1 करोड़ वाले को पकड़ लें, उसके लिए वो पैसा खर्च करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अधिक अहम जानकारी मिली होगी। जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाना चाहता हूँ। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर देन राइट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, और जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप कहीं और ज़्यादा अधिक इनलाइटेंड हुए होंगे। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट कर दीजिए, डोंट ट्राई टू रन अवे द वे यू शुड नॉट। हाँ, वो परेशान करते हैं तो आपको मूव करना पड़ सकता है, वो मैंने बता रखा है, लेकिन लास्ट में सेटलमेंट ही आप करने की कोशिश कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। चलिए, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार।